हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम में हम लोग जो सेल्स इन्वॉइस जो प्रिंट आउट देते हैं A4 साइज़ में हमारा जो पेपर होता है तो उसके हिसाब से किस तरीके से आपको हाइट और विथ वगैरह आपको प्रिंट में सेटअप करना है या फिर लेफ्ट साइड में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो वो आप किस तरीके से कर पाओगे। और बहुत लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे उनको हाइट विथ चेंज करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको किस तरीके से वो ऑप्शन शो होगा ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि ये मेरा बिल है, अगर मैं इस बिल का प्रिंट अगर देता तो आप यहाँ पे बिल का प्रीव्यू देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे टॉप में से थोड़ा स्पेस भी छोड़ा हुआ है और इस तरीके का प्रिंट आउट आ रहा है मेरे पूरे पेज में। मेरा ये A4 साइज़ का मैंने सेटअप किया तो A4 साइज़ में पूरा बिल मेरा प्रिंट में आ रहा है, मतलब प्रॉपर ये प्रिंट में प्रीव्यू हो रहा है। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट भी निकालोगे तो प्रॉपर प्रिंट आउट आएगा, कोई ज़्यादा स्पेस वगैरह भी छूटेगा नहीं कोई भी साइड में। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसमें आपको A4 साइज़ सेट कर देना है। जैसे कि आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे आपको पहले डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होगा जिसमें आप प्रिंट आउट निकालते हो वहाँ पे लेटर साइज़ रहेगा उसको आपको A4 कर देना है। तो ये मेरा प्रिंटर है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके प्रेफरेंस में यहाँ पे आपको पेपर साइज़ का ऑप्शन है, इसको आपको अगर यहाँ पे लेटर रहेगा तो उसको आपको A4 कर देना है। तो A4 करने के बाद आप जब भी इस प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे तो वो भी डिफ़ॉल्ट A4 हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको प्रिंट करंट में जाना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना है, प्रिंटर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने जो प्रिंटर सेट किया था 2900 है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि A4 आ गया, उसको मैं ओके कर दूँगा। और अभी हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे हो प्रिंट प्रीव्यू वही है। और इसके बाद अगर आपको हाइट और विथ का ऑप्शन आपको नहीं शो कर रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं प्रिंट में जाके डायरेक्ट कॉन्फ़िगर में जाके चेक करते हैं तो कॉन्फ़िगर के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे हाइट विथ का ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। आपको जाना होगा प्रिंट में, करंट में जाना है, करंट में जाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाना है, यहाँ पर आपको शो मोर ऑप्शन में जाना है। शो मोर ऑप्शन के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो नीचे की साइड में आपको प्रिंटर सेटिंग्स के अंदर नीचे की साइड में आपको यहाँ पर हाइट विथ टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन ये सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे टॉप में अगर उसका स्पेस बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 है उसको एंटर करके 1.5 कर देता हूँ, सिंपल में भी 1.5 कर देता हूँ। अभी मैं आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये स्पेस बढ़ जाएगा। ये किन लोगों के लिए यूज़ में होता है, जिन लोगों जो लोग लेटर पे से प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये उन लोगों को काम में आ सकता है कि ऊपर आपने कंपनी का कुछ लोगो वगैरह ऐड किया हुआ है या फिर कोई अपनी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है तो ये स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे लेफ्ट साइड में से स्पेस बढ़ाना है तो कन्फिगर में जाके शो मोर यहाँ पे 0.75 कर देता हूँ, सिंपल में भी 0.75 कर देता हूँ। अभी अगर इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू चेक कर तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे इतना स्पेस बढ़ जाए। ये हमें जब बिल वगैरह हम लोग फाइलिंग करते तो उस टाइम पे हमें काम आता है कि अगर ये स्पेस में पंचिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आइटम का नाम वगैरह होगा वो बिल अगर हम लोग कोई भी चेक करते तो ईजिली वो सामने वाला चेक कर सके। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग सेल्स इन्वॉइस में प्रिंट सेटअप कर सकते हैं और इसमें भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।